देखिए एक चीज और देख लीजिए, टैली प्राइम में जब आप बिना परचेज किए आप सामान कहीं से मंगाएंगे होलसेलर पार्टी से, बिना परचेज किए सेल कर देंगे तो नेगेटिव कैश आएगा, क्या नेगेटिव स्टॉक आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव मने होता है कि आपके पास स्टॉक है नहीं और आप जबरदस्ती कागज पे ही स्टॉक बेच रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कौन कौन से स्टॉक आइटम है, इसको देखने के लिए टैली आप ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ नीचे आएंगे, देखिए स्टॉक समरी दिया है ना, यहाँ देखिए क्या क्या स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरी, दो ग्रुप है स्टॉक का, इलेक्ट्रॉनिक में मॉनिटर है, माउस है, शावर है, और ये टाटा टी, ये सब ग्रोसरी का आइटम है, बाकी ग्रोसरी का भी कुछ आइटम है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम जाते हैं तो देखिए कीबोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखिए और बता रहे हैं कीबोर्ड ही है, कीबोर्ड है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में हमने कीबोर्ड ही रखा है, बाकी यहाँ पे टाटा टीवी, मतलब जो जो स्टॉक आइटम मौजूद है वो सब आपको दिख रहा है ना। अब यहां से बाहर आएंगे इसके बटन प्रेस करके, और बी बटन प्रेस करके अगर हम डायरेक्टली चले जाए, आपको ये तो दिख ही रहा है कि कौन कौन से स्टॉक आइटम मौजूद है हमारे पास, देखिये यहाँ पर मॉनिटर है, टाटा टी है, और ये सब है, राइस नहीं ना है, चावल नहीं ना है। तो अगर मान लीजिए आप सीधा सेल्स में चले जाए, ये गेटवे ऑफ टैली है, और एंट्री करने के लिए हम कहां जाएंगे, बाउचर में, तो बाउचर में जाकर के एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद ये पेमेंट बाउचर है, क्यों इससे पता पेमेंट बाउचर, यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको सेल्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिये यहाँ पे एक पट्टी सी बनी हुई है, इस पर लिखा हुआ है सेल्स, कहीं लिखा है सेल्स, लिखा है इसमें कहीं सेल्स, तो सेल्स के पहले क्या लिखा है, F8 लिखा है, F8 लिखा है ना ये, तो F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर में चले जाएंगे। सेल्स माने होता है बेचना, तो अब बेचने का सारा काम इसमें करेंगे। अब जो स्टॉक आइटम है ही नहीं उसको भी कैसे बेच सकते हैं आप, नहीं बेच पाएंगे, हमने परचेस ही नहीं किया तो हम बेचेंगे कैसे। तो अगर फिर भी आप ये काम करते हैं, जैसे F8 प्रेस करके जाएंगे, F8 प्रेस किया हम आगे सेल्स वाउचर में, अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा था, अब सेल्स आ गया, यहाँ पे कस्टमर पार्टी का लेजर आता है, जिसको आप सामान बेचेंगे उसका खाता बनेगा। तो खाता बनाने का शॉर्टकट की क्या है, आप यहां से भी जा सकते हैं क्रिएट पे क्लिक करके, और आप ऑल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं, ये आ गया। अब मान लीजिए जिसको आप सामान बेच रहे हैं उसका नाम है राम, RAM, ठीक है, अब इसी को सामान बेच रहे हैं, तो इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर, क्या होगा, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का स्पेलिंग एस से शुरू होता है, एस प्रेस कर दीजिए और ये आ जाएगा नीचे सन्ड्री डेटर, देखिए एक सन्ड्री क्रेडिटर है, एक सन्ड्री डेटर है, तो आपको डेटर बेचेंगे जिसको उसका डेटर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब यहां पर आएंगे एंटर, एंटर करके, एंटर करके इसका देखिएगा, उत्तर प्रदेश बगलिए का रहने वाला है मान लीजिए, तो सामान बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश ही हुआ, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे भी एंटर एंटर कर लीजिएगा, इसको अभी बाद में समझाऊंगा, बाकी यहाँ पे एंटर एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा, तो सेल्स का लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप ऑल्ट के साथ सी नहीं प्रेस कर पाते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पे जाइएगा और एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेल्स जो भी है सेल्स का लेजर बनाइएगा, और सेल्स का लेजर बना के उसका ग्रुप क्या रखिएगा, सेल्स अकाउंट। तो ये देखिए ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ये है ना, इस पे जाके एंटर कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास मौजूद है, देखिए सेल्स का है तो सेल्स लगा लेते हैं। अब यहां पर जो स्टॉक आइटम है ही नहीं उसको हम सेल करने की कोशिश करते हैं, तो स्टॉक आइटम बनाएंगे यहां पर, हालांकि ये बनाना गलत है, सेल्स वाउचर में स्टॉक आइटम नहीं बनता है, हम परचेज में ही स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जो सामान खरीदना है बेचना है वो हम परचेज में ही बना लेते हैं, सेल्स में आके नहीं बनाते हैं। लेकिन अभी हम कौन से वाउचर में हैं, सेल्स वाउचर में, तो सेल्स में बनाएंगे तो ये गलती होगी, या कई बार ये गलती हो भी जाती है। लेकिन यहां पर आपको एक वार्निंग मिलेगा नेगेटिव स्टॉक का, स्टॉक का स्टॉक माने होता है सामान जो खरीदा या बेचा जाए, तो नेगेटिव स्टॉक का वार्निंग मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए ऑल्ट सी करके ये स्टॉक आइटम वाली विंडो छोटी दिखती है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, और लेजर वाला बड़ा विंडो दिखेगा। तो ये जो स्टॉक आइटम वाला विंडो आया है इसमें हमने लिख दिया राइस, अब राइस दिखेगा, अच्छा ये पहले से मौजूद है, एक बार पल्स देखते हैं, PULSE पल्स भी मौजूद है, कुछ और देखते हैं, बासमती राइस करते हैं, बासमती राइस RICE, ठीक है ये नहीं होगा। तो देखिए बासमती राइस हमारे पास नहीं है, और अगर हम जबरदस्ती सेल करेंगे तो नेगेटिव स्टॉक आएगा, कैसे देखिए, ये ग्रोसरी है, ग्रोसरी माने होता है किराना का सामान, ठीक है ये आ गए। अब बासमती चावल अगर बेचेंगे तो किलो में बेचेंगे ना कि लीटर में बेचेंगे, किलो में, तो किलो में जब बेचेंगे तो यहाँ पे किलो कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, एंटर कर दीजिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर क्वांटिटी, क्या लिखा है क्वांटिटी, तो कितना किलो, तो 50 किलो आप सेल कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ रहा है ये लिखा हुआ, देखिए नेगेटिव स्टॉक, इसका मतलब है कि आपके पास है नहीं और आप जबरदस्ती सामान बेच रहे हैं, देंगे तब ना बेचेंगे कि खाली कागज थमाएंगे, उसको उसको देना भी तो पड़ेगा सामान, कागज तो देंगे नहीं,
तो यहां पर ये एंट्री हो जाएगी, तो आप कागज निकाल के देंगे खाली उसको। जैसे मान लीजिए 70 रुपए किलो चावल है, तो ये हो गया इतना एंटर करेंगे। अब ये तो आ गया, लेकिन ये तो गलत एंट्री हो गई ना, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम क्या देंगे, हवा नहीं खिलाएंगे उसको खाली, ठीक है। तो अब आप एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो यही एंट्री गलत एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। पहले आपको परचेज करना है, ठीक है, क्या करना है, परचेज करना है। परचेज माने होता है खरीदना, आप खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, ठीक है।